हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए झटपट पराठा लेकर आई हूँ। और नाश्ते के लिए सुबह टिफ़िन में सोचना पड़ जाता है कि क्या बनाएं, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ हटके पराठा हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये गेहूं का आटा लिया है। जैसे अभी इसमें मुझे 5-6 पराठे बन जाएंगे मेरे। कई घर में तो कटोरी से माप लेते हैं। और ये दो बेसन थोड़ा सा मैंने लिया था, 2 चम्मच। और ये मलाई थोड़ी सॉफ्टनेस के लिए, बच्चों को अगर आप देते हैं तो थोड़ी सॉफ्ट रहेगी, तो इसके साथ में बच्चे बढ़िया से खा लेते हैं। और ये हो गया, इसी में डाल देंगे। और ये है मेरे पास में स्वाद अनुसार नमक, कस्तूरी मेथी जिससे फ्लेवर आएगा, और ये LPC लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, जीरा और कटी हुई हरी मिर्च। ये सब इस आटे में हम मिला लेंगे अच्छे से। ये मैं पूरा ही डाल दूँगी क्योंकि मैंने उसी हिसाब से लिया है जितना मेरा आटा है। आप आटे के हिसाब से ही लीजिए, उसको अच्छे से मिला लेंगे मलाई को, नहीं तो एक ही जगह में चली जाएगी। और ये थोड़ा सा तेल है जिससे हम पराठे सेकेंगे। इसको पानी से टाइट टाइट गूंथ लेंगे। अगर आप पानी नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप दही से भी गूंथ सकते हैं, इससे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं दही से गूंथेंगे तो। ये पूरी तरह से मिला लिया मैंने, एकदम से पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जिसको आटा लगाना नहीं आता है, मैंने एक बार वीडियो बताया है उसका, और रोटी जो सिंपल पराठा है, रोटी है, फलके हैं, उनका भी मैंने वीडियो बताया है। तो आटा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, आपका आटा कभी नहीं बिगड़ेगा। जहाँ यहाँ पे सूखा है यहाँ पे थोड़ा सा डालिए और लपेटते जाइए इस तरह से। आप भले ही फलके का या पराठे या का कोई सा भी अगर आटा लगाते हैं, पूरी का, किसी का भी, तो जब आटा आपका कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में हल्का सा तेल डालिए इसमें इस तरह से, और उसको फैला के उसमें आटे को अच्छे से और फिनिशिंग आ जाएगी, चिकना हो जाएगा और आपका आटा कभी नहीं चिपकेगा। ये बहुत अच्छे से इसमें लग गया है आटा। अब इसे मैं 4 लोई बनाऊंगी इसकी, थोड़ी सी मोटा, थोड़ा सा मोटा बनाऊंगी पराठा। ये मैंने इसकी 4 लोई बना ली है इस तरह से। आपको जितने पराठे बनाने हैं उसके लोई इस तरह से बना के रख लीजिए ताकि इक्वल रहे। ये मेरे 4 लोई बन गई है, इसके पराठे बताती हूँ। इस लोई को इस तरह से गोल कर लेंगे, बेलन से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से, और इसके बीच में ये तेल, ताकि जो इसकी परतें हैं वो खुल जाए अच्छे से। थोड़ा सा ये आटा बुरकाऊंगी मैं क्योंकि इससे परत बहुत अच्छी खुलती है। आप सिंपल पराठे के जैसा भी इसको आप इस तरह से फोल्ड करके सेक सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ। चक्कू का मैंने एक चीरा दिया और इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे पंखे के जैसे। ये हो गया, और इसको जैसे ये हो गया फूल जैसे, और इसको बीच में से इस तरह से पूरा प्रेस कर लेंगे। और फिर इसको आटा लगा के सूखा इसको बेलेंगे। अगर आप दही डाल के अगर इसको ओसनते हैं और सफ़र वगैरह में लेके जाते हैं तो 2 दिन आपके पराठे ख़राब नहीं होंगे। और इसको थोड़ा सा करारे टाइप के सेकेंगे तवे पे, तो ये पराठे आपके 2 दिन तो आराम से चल जाएंगे। दही के साथ खाइए, अचार के साथ, या फिर सॉस के साथ, पीसी शक्कर होती है बूरा उसके साथ आप खा सकते हैं। ये मैंने पराठा बेल लिया है, मेरा तवा ऑलरेडी गरम है, स्लो में मैंने गरम करने के लिए रखा था जब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही थी। अब मैं इसको तेज करूंगी और ये पराठा मैंने इसमें डाला। जब तक वो गरम हो रहा है तब तक दूसरा पराठा बेल लेते हैं। ये थोड़े से इसमें बबल्स दिख रहे हैं तो इसको पलट देंगे। ये देखिए हो गया। अब किनारे में तेल डालेंगे क्योंकि किनारी ज़्यादा सूखी रहती है, और फिर बीच में लगाएंगे इस तरह से। पहले किनारी को करेंगे हम गिल्ला, तेल से ही सेक रही हूँ मैं। अगर जो सरसों तेल खाते हैं वो सरसों तेल से भी इसको सेक सकते हैं, अचारी टेस्ट आएगा। फिर इसको पलट देंगे, गैस को थोड़ा सा कम कर देंगे और बढ़िया तेल लगा के। जब तक हम तेल लगाते रहेंगे तब तक ये बहुत अच्छे से सीक जाएगा। ये देखिए इसमें परत खुलने लग गई है जो मैंने चक्कू से कट किया था। अब ये जो इधर वाला जो साइड हमने तेल लगाया इसको फिर से पलट देंगे ताकि और अच्छे से सीक जाए। इस तरह से चम्मच से दबा दबा के आप इसको सेक लीजिए। ये हो गया है 2 मिनट में,
फटाफट हमारे टिफिन के लिए पराठा तैयार। अब इसको चक्कू से कट करके मैं इसकी परत बता रही हूँ आपको। गैस को कम कर दिया है। अब बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको ट्रायंगल शेप में कटिंग करेंगे। बच्चे जिसके साथ खाना चाहें आप उसको दीजिए टिफिन में। जैम, सॉस, अचार, घर में खा रहे हैं तो आप दही, दही में शक्कर डाल के दे सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक एक परत आपकी खुल गई है पराठे की। कम से कम इस पराठे में 4-5 परत हो गई है। अभी गर्म है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ। झटपट मसाला पराठा तैयार हो गया है। इसको आप टिफ़िन में या ट्रेन में, सफ़र में, कहीं भी जाते हैं तो इसको ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।